चलती ट्रेन में गोलीबारी, आरपीएफ की एएसआई और 3 यात्रियों की मौत। जयपुर मुंबई ट्रेन में पालघर के पास फायरिंग। महाराष्ट्र के पालघर से बड़ी खबर आ रही, जयपुर मुंबई पैसेंजर ट्रेन में हुई गोलीबारी में 4 लोगों की मौत हो गई। यह ट्रेन गुजरात से मुंबई आ रही थी। मरने वालों में एक आरपीएफ का एएसआई सहित 3 यात्री शामिल हैं। आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन ने ही सबको गोलियां मारी हैं। गोलीबारी की यह घटना बापी से बोरीबली मीरा रोड स्टेशन के बीच हुई। मीरा रोड बोरीबली के बीच जीआरपीएफ मुंबई के जवानों ने आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद आरोपी को बोरीबली पुलिस स्टेशन लाया गया, जब जवान ने अचानक शुरू कर दी फायरिंग। घटना जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 12956 के कोच नंबर B5 में हुई है। यह घटना आज सुबह 5:23 पर घटी। आरपीएफ का जवान और एएसआई दोनों ट्रेन में सफर कर रहे थे। इसी दौरान कांस्टेबल चेतन ने एएसआई टीकाराम पर अचानक गोली चला दी, जिससे सफर कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया। डीसीपी वेस्टर्न रेलवे मुंबई के संदीप वी ने आज तक से बात करते हुए बताया कि प्राथमिक जांच में पता चला है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन सवाल उठ रहा है कि अगर उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी तो फिर उसे ड्यूटी पर क्यों तैनात किया गया था। पुलिस के बयान के मुताबिक 31/7/2023 को सुबह 5:23 पर ट्रेन संख्या 12956 जयपुर एस में सूचना मिली कि B5 में गोली चली है। पता चला कि एस्कॉर्ट ड्यूटी में सीटी चेतन ने एस्कॉर्ट प्रभारी एएसआई टीकाराम पर गोली चलाई है। ट्रेन बोरीबली रेलवे स्टेशन BBI पहुंच गई है और अग्रिम सूचना के अनुसार एएसआई के अलावा 3 नागरिकों के हताहत होने की सूचना है। बोरीबली रेलवे स्टेशन से 4 शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया। फिलहाल सभी शव बोरीबली रेलवे स्टेशन पर रखे हैं। पुलिस यात्रियों से भी कर रही है पूछताछ। यह पता नहीं चल सका है कि आरोपी की मंशा क्या थी और क्यों उसने यह गोली चलाई। गनीमत यह रही कि इस गोलीबारी में अधिक यात्री हताहत नहीं हुए। जैसे ही चलती ट्रेन में गोलीबारी हुई, ट्रेन में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ट्रेन के यात्रियों के बयान भी दर्ज कर रही है। रेलवे का बयान, पश्चिमी रेलवे ने इस संबंध में एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया है कि पालघर स्टेशन पार करने के बाद एक आरपीएफ कांस्टेबल ने चलती जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर गोलीबारी कर दी। उसने एक आरपीएफ एएसआई और 3 अन्य यात्रियों को गोली मार दी है और दहिशत स्टेशन के पास ट्रेन से बाहर कूद गया। आरोपी सिपाही को हथियार समेत हिरासत में ले लिया गया है। अधिक विवरण की प्रतीक्षा है।